हेलो। अरे अगर शत्रु देता है जब चुनौती, चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर शत्रु देता है जबरन चुनौती, चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। वतन की मोहब्बत है सबके हृदय में, अरे वतन के लिए सबको मरना पड़े। हर रोज सीमा पे देता है बाबूजी, हर दिन सीमा पर हमारे हिंदुस्तान का शहीद चुनौती देता है, शहीद भी होता है। हर रोज देता सीमा पे धमकी सदा, दुश्मन की धमकी स्वीकार करना पड़ेगा। लहरी लिखते हुए शर्म खाती कलम, इन फौलादियों को मार कर भगाना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान के जवान आज कितने अमर शहीद हो गए, नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने लगा यही की धरती से। बाबू राम सूरत यादव जी, राम सूरत यादव जी यही की धरती से 12 अगस्त 1999 को अमर शहीद हो गए। आज भी उनकी पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई जाती है। ऐसी महान आत्मा को शत शत नमन हो, कहनाम हो, हिंदुस्तान के जवानों के लिए कहनाम। अरे काटे में, काटे में जलवा, आजी में नजारा है। यह भी मुझे प्यारा है, वह भी मुझे प्यारा है, लेकिन भाव में कहनाम है, विरह के भाव में। अरे मैं पीरे कपूतों की एक गाथा सुनाता हूँ। शहीद फौजी कैसे हुआ हिंद शहीद फौजी, अच्छी बात बताता हूँ। बाबूजी मैं वीर सपूतों की एक गाथा सुनाता हूँ, लड़ा हिंद जवान फौजी सच्ची बात बताता हूँ। इस दुनिया में जो आता है सब अपना ही बनाता है, अरे जरा भूखों को खिला करके देखो, सब अपना ही पेट भरता है।
अगर दूसरों को खिला करके देखोगे तो उसकी आत्मा को कितनी बड़ी शांति मिलेगी। इसलिए कहना हो नजम के भाव में मर रहे हैं। जहां में आके सब कोई अपना ही बनाता है, मगर सब छोड़ यही खाली हाथ जाता है। ये परम पूजनीय आप श्रीमान संचित यादव आईटीआई कॉलेज कुणेभार की धरती से आईटीआई प्रबंधक प्रबंधक भी है ना भैया, आपकी तरफ से 101 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। जहां में आके सब कोई अपना ही बनाता है, मगर सब छोड़ ही खाली हाथ। चाहे वो राजा रंक चाहे कोई दानी हो, चाहे वो राजा रंक चाहे कोई दानी हो, मिटाना भेद उसका चाहे ब्रह्म। आप श्रीमान प्रबंधक शीतला प्रसाद, आप खुदीपुर स्कूल रेवना लिखा भैया, आपकी तरफ से 101 रुपए का महामाया पुरस्कार हो, बहुत बहुत काम हो। थोड़ा सा बताया मैंने कि सब दुनिया में अपना बनाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जवान वो अपना नहीं बनाते, वो हम आपका बनाते हैं, क्योंकि हम आपकी रक्षा दिन रात करते हैं। कहनाम हो इस दुनिया में एक अमर जवान की कहानी है जो अमर हो गया। मास्टर साहब कहनाम हो क्या? तेरी के भाव में कहनाम हूं क्या? हाय हाय राम, हरे हवलिया का समीर से मिली, हवलिया का समीर से मिली, अरे तो पहके पत्र चमन कई खिले सूख गई, हवलिया का समीर से मिली। खिली सूख गई कलिया हवलिया। बाबूजी हमारे हिंदुस्तान के जवान हरबिंद बाबूजी फौज में थे, फौज से छुट्टी लेकर के आए थे घर, शादी हुई, शादी हुई, ससुराल से बरात अपने घर पर ले आए, दुल्हन बड़ी सुंदर है, जरूरत रहती है। एक बात बताई भाई, बिना मेहरारू के जिंदगी अधूरी हो था। बिर घर नहीं, घर भूत का डेरा। बाबूजी जब गवना लेकर के आए हरबिंद, तो उसी दिन अपने दुल्हन के पास बैठे हैं, बातें हो रही हैं, मीठी मीठी बातें हो रही हैं। बातें क्या हो रही है? कहनाम हो बातें हो रही हैं,
वो हरबिंद अपनी दुल्हन से प्यार कर रहे हैं कि प्यारी आज फौज में मेरी नौकरी थी, मैं छुट्टी लेकर के आया हूँ, हो सकता है दो चार दिन रहूँ या चला जाऊं फिर बॉर्डर पर। हाय हाय राम बेटा, हमारे लहरी गुरु जी गावत रहे। पास बैठे हैं, प्यार हो रहा है, कहते क्या है, कहां तेरी बगिया में, अरे तेरी बगिया में, अरे जवानी मजेदार यार तेरी बगिया में। जवानी मजेदार यार तेरी बगिया में, हरबिंद जी अपनी दुल्हन से कह रहे हैं, का कहे क्या बात है, बड़ी निकला के गोरी तोहरी तेरी। हरबिंद जी अपनी दुल्हन को कह रहे हैं कि प्यारी तुमको पा करके मैं धन्य हो गया, और तुम ही नहीं तुम्हारे जैसी नारी अगर जिसको मिल जाए उसकी किस्मत चमक जाए, ओके दुनिया उजड़ जाए, तुम्हारे उजड़ी हो। हाय हाय और कहां कहां कजरा लगा के हसीना 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 हस
तब चुए पसीना, आजा मेरी नगीना, रूठी है क्यों हसीना, जुल्फे है तेरी बिखरी बिखरी, सफरी है क्यों। हरविंद जी प्यार कर रहे हैं, लेकिन उधर से पाती आ गई। जब पाती आ गई तो हरविंद जी विचार करते हैं, अरे वाह, आज ही के दिन जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन हरविंद के पास पाती आई थी। पाती कहां से आई थी? बॉर्डर से। बाबूजी, हरविंद जी जब पाती पढ़ते हैं तो अपने दिल में यही विचार करते हैं कि क्या विधाता, दुल्हन तो दिया, दिल खुश हो गया, लेकिन जी भर के बात नहीं हो पाई, जी भर के बात नहीं हो पाई। अगर दो चार दिन बिता लेता तो क्या हो जाता, दो चार दिन में मेरी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती है, और अपने दुल्हन को खुश भी कर देता। लेकिन वो दिल की बात कर रहे हैं। लेकिन मेहरारुआ हाथ पकड़ लेस, कहा सैया अब मिताई नहीं कवाया ही बतावा राजा। बाबूजी ओकरे करेजे से पूछा, जेकर जौने दिन मेहरारू आवे और मेहरारू जौने दिन आवई उही दिन मन से धू बाडल के लड़ाई लड़ जाए। तोहार हम मनावत है जौने दिन दुल्हन आवे वो दिन तोहार बिरह हो जाए। हे भाई, लेकिन हमका लागत भाई रणुआ सरकार में हमार बिहाव न होए। काहे रणुआ सरकार में रहुए रहै परिये भरे भाई, रोजगार लगता ही नहीं बा, खेते में जाए के साड़ भले हाँ की फ्री की नौकरी है, पांच किलो दे तो हाँ पांच कुंटल चरावत है भाई, क्या करोगे। क्या नाम है बिरहा में? वो हरविंद जी अपनी दुल्हन से कह रहे हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, शब्द में क्या नाम है। उधर भी सोच रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की लाज है, उसे भी बचाना पड़ेगा। बाबूजी, हरविंद जी अपने दुल्हन को पकड़ लेते हैं, कहते हैं प्यारी अब पाती आई है तो हमें जाना पड़ेगा। दुल्हनिया हाथ पकड़ ले, कहा राजा ही बतावा राजा, अजुए हमार गवन आई और अजुए तू बॉर्डर पे चला जाबे। लागत यह है विधाता हमार किस्मतिया में सुख ना ही लिखे रहे। बाबूजी नथुनिया गोलू नहीं मारे पाए, फौजी की औरत है, लेकिन हंस करके कहती है ए पिया आप जात हुआ हम आपको ना रोक, अब आप जा, लेकिन तनी से अंशदान तो कह देते। अरविंद बोले अरे प्यारी जा तो रहा हूं, लेकिन वीडियो कॉलिंग करके बतलाऊंगा अगर मैं
अंशदान ही कर दिया तो वीर पुरुष में मेरी गिनती दुल्हनिया हाथ पकड़ ले कहे राजा जा हम आपके न रोकब तब की पत्नी में अब की पत्नी में बहुत फर्क हो गया है। हाय हाय राम दुल्हनिया हंस के कौनो मेहरारू ऐसी न होई बाबू जौन अपने पिया का हंस के विदा करे जौन अपने दुल्हा का हंस के विदा करे हाय हाय राम दुल्हनिया कहत जा जवैया हरे हाथी के निहारे चमके दातावा कन्नी मोरी नरमो कलैया कवन दिन आईबा सीमा जवैया बाबूजी कहती है हंसके विदा करती है अरविंद जी चल देते हैं चलते हैं तो तरज लिया बदल गए मास्टर साहब एक हमारे लहरी गुरु को बड़ा मशहूर गीत रहा हाय हाय राम कहा लागल झूलनिया झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता निकल गए देखा ही बताई देते ही बात कहाँ कहो एक बाबा जी का रहन मैहर दर्शन करे बाबा जी के घर रहन सुल्तानपुर जिला अब बाबा जी ट्रेनी में जब दर्शन करके लौटे तो ट्रेनी में यानी कि रेलवे में बैठे जब तो उनके जेबा कट गया ट्रेन में कट गया ट्रेनी पे वो है बाबू जी बाबा जी आए कि हमारे प्रयागराज उतरे तो कुछ दूरिया आए तो टोएन सोचन की कुछ पकड़ उकड़ ले तो जाई घर जब टोएन तो पैसा का जेबाई ससुर नहीं मार ले पीछे से जेबाई आधा कट गया बाबूजी बाबा जी सोचे लगन कि यार अब कैसे घरे बाबा जी जब कुछ दूरिया आए तो दो चार मेहरारू इकट्ठा होते ही है गावत रहे गावत का रहे कि लागले झुलनिया का धक्का कलम कलकत्ता निकल गए बाबा जी सोच लगन कि यार अगर नहान के झुलनी के धक्का से अगर एकर मन सेधो कलकत्ता पहुंच सका था तो यार लागत बा हमारा काम हो जाए बाबा जी शरमात पहुंचन मेहरा रुआन लगे कहन दुल्हनिया अरे दुल्हनिया हे दुल्हनिया अरे बुरा न मानत एक बात कही कही मेहरा रुआन देहाती कहन कहा बाबा का बात है कहन दुल्हन हे दुल्हनिया अगर तुहरे झुलनी के धक्का से
तोहार सैया कलकत्ता पहुंच सका थी। तो दुल्हन झूठ का बोली, हमारे जेब में एक रुपया बावा नहीं। हमहू का अगर एक धक्का धीरे में लहाई देती हूँ तो हमार घर सुल्तानपुर जिला है, अगर धीरे में लहाई देव तो यह सुराव वाली सीधा रोड प्रतापगढ़ वाली पहुंच जाबे। दुल्हनियन कहें बाबा हमारे माटी के गीत है, हम लोग ऐसे देखा भाई साहब, माताओं बहनों के गीत में कोई लेखक नहीं होता, वो जहां से पाती है वहीं से गा देती हैं। हाँ, लेकिन हमारे हिंद का जवान चलता है, हाँ तो चलता है। अरे तड़पे ला हिंद के जवान ला, बाबू करे मैदनवा और जाई के पहुंची गवा, अरे सीमा के ऊपरवा, जहां सीमा पर है पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया बाबूजी। अरे जाई के पहुंची गई ले, अरे सीमा सीमा के ऊपरवा, जहां वहां घेरे बाटे दुश्मन दुला डरावा। जाई के ललकारा थोवन कि ए, मेरे हिंदुस्तान के दुश्मनों, मैं आ चुका हूं और जब तक मैं रहूंगा, जब तक हरविंद रहेगा, मेरे हिंदुस्तान का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, जान लो। हाय हाय राम, हाय 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 दुठी नान नान जोगिया। हमारे प्रयागराज के बड़ा मशहूर गीत है, ये रामायण के चरित्र लवकुश चरित्र में मिलेगा। क्या बात हो, हाय हाय दुठी नान नान जोगिया, हाय दुठी नान नान जोगिया, अरे पेड़ा वही माना हो दादा पेड़ा वही पेड़वाई में घोड़वा बढ़ने हो दूठी नान नान जोगिया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जवान ललकार दिया, ये पाकिस्तानी फिरंगी कुत्ता संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो वो वार करूंगा कि डायरेक्ट सीने में गोली लगेगी। ये पाकिस्तान लेटा है, तीन पाकिस्तानी बैठे हैं, ये पाकिस्तानी भाग गए। कहना हूँ क्या, अरे वही पीर पलवा नवा, ए बाबू सीमा पर पहुंच गए हरविंद जी, सीमा पर पहुंच करके गोली चलाने लगे। अरे वही पीर पलवा नवा, अरे वही पीर पलवा नवा, अरे सीमा वही पन्ना हो बाबू, सीमा वही पा, सीमा वही पा बोली या चला वाले सहो, वही पीर पलवा नवा, सीमा वही पा बोली या सीमा पे गोलियां
चलौले हो भाई वीर बनवनवा। क्या बात है, वीर बलवान गोली चलाने लगा और ललकार के गोली चला रहा है। कहता है कि भाई वीर बलवनवा, अरे सीमा वही पर गोलिया चलावले से हो भाई वीर बलवनवा, अरे दूसरा मन के ना हो दादा दूसरा मन के मन के छाता छोड़ा वाले चाहो भाई वीर दुश्मन के छक्का छोड़ने से हो भाई वीर बलवनवा। दुश्मन को मारने लगा बाबूजी, दुश्मन के पसीने आने लगे, जान गए फौलादी दुश्मन कि अब इसके आगे मेरी चलने वाली नहीं है। चार फौजियों को मारा, चार हिंदुस्तान जवानों को मारा, चार को मारने के बाद पांचवे में नंबर लगा दिया। पांचवे में नंबर जब लगाए बाबूजी, एक राइत यानी कि छोटा सा पहाड़ था, पहाड़ को सोचे कि पहाड़ को डाक करके उस पार जाऊं तब गोली को, जैसे पहाड़वा के डाके की कोशिश कैलन वैसे एक हिंदुस्तान के जवान को हमारे एक फिरंगी कुत्ता बाबूजी साध करके गोली मारा। साध करके तो सीने में मारा, लेकिन गोली कहाँ लगती है, जांघ पे। बाबूजी का नाम है, अरे दूसरा मन के ना हो दादा दूसरा मन के छक्का छोड़ा वाले सहो उहै वीर बलवनवा, आ जानी आई पा ना हो बाबू जानी जानी आई पा गोलिया चला वाले सहो उहै तोरा बेनी मनवा। भाई गोरा बेई मनवा, बाबूजी जांग पर गोली लगती है, हिंदुस्तान का जवान हिंदुस्तान का सिपाही बाबूजी छटपटाने लगता है वहीं पर बैठ जाते हैं, लेकिन बैठने के बाद भी हार नहीं माने बाबूजी, उसी फिरंगी कुत्ता को साध करके गोली मारे तो जा करके उसके डायरेक्ट सीने में लगी और वो फिरंगी कुत्ता तुरंत मर गया। बाबूजी वहां से लड़ाई, कुछ फिरंगी कुत्ते भाग गए जब, तो हमारे हिंदुस्तान के और जवान जाते हैं देखते हैं तो हरबिंद जी बाबूजी अधमरे हैं, यानी कि जांघ में गोली लगी है, कराह रहे हैं बाबूजी। हिंदुस्तान के जवान पकड़ करके लाते हैं, दवा दुआ करते हैं, बाबूजी आराम हो जाता है, लेकिन हरबिंद जी की जान जहाँ पर गोली लगी थी, गोली इतना हड्डी को छलने कर दी थी कि उसी पर से उनकी जान को काटना पड़ा। जब काट दिए अरविंद जी घर पे पाती पठवाते हैं कि प्यारी जिंदा हूं, आप परम पूजनीय श्रीमान रिंकू पांडे आपकी तरफ से 101 रुपए का महामाया पुरस्कार है, बारंबार प्रणाम आशीर्वाद दे के हम सब बच्चे अपनी कला में कामयाब रहें। बाबूजी बताते हैं प्यारी जिंदा हूं, आऊंगा लेकिन एक जांग हूं कट चुकी है। बाबूजी हरबिंद जी दवा दुआ होती है, ठीक हो जाते हैं, कुछ सिपाही और हरबिंद जी को साथ लेकर के उनके घर पर आते हैं। घर पर जब आते हैं तो घर पर बड़ा शोर शराबा, बड़े लोग इकट्ठा हो गए, हिंदुस्तान का जवान हिंदुस्तान
वरदान की लड़ाई लड़के आ रहा है। बड़ा स्वागत कैलन फूलमाला से बाबूजी, बड़ा सम्मान मिला बाबूजी। सिपाही हरबिंद जी की औरत से पूछने हैं, पूछते हैं कि प्यारी ये बताओ आपका पति बॉर्डर की लड़ाई लड़के आ रहा है, अब तुम्हारी इच्छा क्या है? खड़ी के भाव में कहना उमर से बताती है प्यारी कि सरकार अब हमारी क्या इच्छा है, कह रही है अरे सीमा कई लड़ैया, अरे सीमा कई लड़ैया लड़ ले पियावा हमारी, ला भेज सरकार लड़ाई कर। भाई सरकार लड़ाई नौकरी, यानी कि अब अपने पिता पिया को लड़ाई की नौकरी में नहीं जाने दूंगी। अगर बेटा पैदा होगा तो हो सकता है उसको भेज सकती हूँ, लेकिन अपने पति को कभी जाने। देखिए एक हिंदुस्तान के वीर जवान की दुल्हन अब भी अपने सीने में ज्वाला भरे हुई है कि अपना पति तो दे दी, जांग कट गई, लेकिन अगर अब लड़का पैदा होगा तो उसको भी भेज सकती हूँ। क्या बात हो, सिंगार मर्द, मर्द का सिंगार पैसा। बात सही हो, मेहरारू का सिंगार मर्द, मर्द का सिंगार पैसा, मर्द का सिंगार पैसा। सही बात, अगर पैसा ना हो भाई, बात के पूछे भाई, जनते है हमारे बिरहा के आखिरी भाव में कहनाम हो, हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ना बाबूजी आसान नहीं होता। आज भी कितने जवान हमारे हिंदुस्तान के शहीद हो रहे हैं ये सब, लेकिन अब जो शहीद हो रहे हैं वो नेताओं के देन है, क्योंकि भाई साहब सरकार बनावे बड़े इतना इतना कांड करवाई जावत हैं। अब तक पुलवामा कांड जांच नहीं भाई है? अगर जांच हो जाए तो यही भारत के लोग पकड़ा जाए, क्या बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन भाई साहब का नाम है गुरु भोला भी स्वर्ग के वासी, आभा करे पिता मिली, हवलिया कश्मीर से मिली, अरे तो गावई मान सिंह जे माता बड़ी बवलिया, हवलिया कश्मीर से मिली।